तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके कान भी बहुत बड़े बड़े। इसने अपने हबस को मिटाने के लिए अपने सौतेले भाई को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ पलंग तोड़ भटाभट और टपाटप कर दिया। तो आज की इस मूवी के अंदर हम देखेंगे इसका तरमूज और कौन कौन निकालता है। मूवी का शुरुआत होता है एक लड़की से जो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर वटावट की मूवी देख पा रही। अब यहाँ पे ये जो लड़की, इसका नाम है लुल्ली, और यहाँ पे जब वो कंप्यूटर में वो गंदी सीन्स देख पा रही थी तब यहाँ पे उसके डैडी पकड़ लेता है। उसके डैडी को बनाने के लिए वो बड़े बड़े संतरों का जूस निकालती है और डैडी को बोलते हैं डैडी पी लो ना, लेकिन उसका डैडी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम पटर पटर ज्यादा मत करो, मैं तुम्हें दीवार से पटक के मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे लुल्ली बोलते हैं मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया, जस्ट तो मैंने यहाँ पे भटाभट की मूवी देखी। तब यहाँ पे उसका डैडी बोलते हैं तुम भटाभट देखो सुनो, और आज तुम्हारा भाई आने वाला है जे। जे है लुल्ली का सौतेला भाई जिसको लुल्ली बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके बाद लुल्ली यहाँ पे अपना जीप लेके स्कूल की तरफ जाने लगा। लुल्ली का स्कूल के अंदर एक अलग ही भाव है, क्योंकि स्कूल के अंदर वो काफी ज्यादा खूबसूरत एक लड़की है। उसके साथ साथ वो अभी भी हक से सिंगल है, इसका कारण उसका टाइप का उसे बंदा नहीं मिला। अब स्कूल के अंदर वो यहाँ पे एक लेक्चर दे रहे, अब लेक्चर के अंदर उसने मियाँ खलीफा की बहन की स्टोरी सुनाई। इससे जितने भी बच्चे थे बहुत ही ज्यादा खुश है और तालियां बजा रहे। अब यहाँ पे मास्टर जी सुन के तो मतलब क्या बोलूं, तंग होकर रह चुके। अब यहाँ पे हमें एक बंदा मिलता है जिसका नाम है झटका। अब देख पा रहे हो ये झटका बहुत ही ज्यादा झटका मारता है, इसलिए इसका नाम झटका है, और इसका झटका बहुत ही जोर का लगता है। अब यहाँ पे स्कूल के टीचर भी बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब जब मार्कशीट बांट रहे थे तब यहाँ पे लुल्ली देखते हैं उसको मिला है सिर्फ और सिर्फ जीरो। तो लुल्ली बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका बाप उसको बहुत ही ज्यादा डांटेगा। तो घर जाकर लुल्ली की मुलाकात उसके सौतेले भाई से होता है जो बचपन से पिक्चर देख के हिलाता है। तब लुल्ली उसको बोलता है चलो आओ हम टीवी देखते। जैसे उसने टीवी ओपन किया उसने भटाभट वाली मूवी लगाई। अब जे यहाँ पे उसको चेंज करके कार्टून लगा दिया क्योंकि यहाँ पे जे को वो पसंद नहीं था। तब लुल्ली बोलते कि अभी भी बच्चे अभी भी भटाभट मूवी नहीं देखता। तब उन दोनों के जो पप्पा है डैडी है वो यहाँ पे लंच के लिए उन लोगों को बुलाते। लुल्ली के पिता लुल्ली से बोलते मेरी प्यारी बेटी लुल्ली चलो अपना मार्कशीट दिखाओ। तब लुल्ली बोलते आज तो हमें मार्कशीट नहीं मिला, कल या परसों हमें मिल जाएगा। तब यहाँ पे लुल्ली सोचते हमें तो जीरो मार्क्स मिले, हमें तो जैसे भी करके अपना नंबर्स यानी कि मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा। तब वो और काली नागिन एक प्लान बनाती है, मिस्टर हेल और मिसेस बिल का चक्कर लगाएंगे, और इनका प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता है। चक्कर तो चल जाता है साथ ही साथ वो भटाभट टपाटप सब हो जाता है। इस खुशी में लुल्ली का नंबर बढ़ा दिए जाते और यहाँ पे क्लास के अंदर वो काफी ज्यादा मशहूर हो जाती है। दूसरे दिन यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए लुल्ली तैयार हो रही थी, तब यहाँ पे एक नया लड़की आती है जिसका नाम है टाई। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच दोस्ती बेस्ट फ्रेंड में बदल जाती है। एक दिन टाई के पास झटका आता और झटका उसको लाइन मारने की कोशिश करे और यहाँ पे टाई भी उसको फुल लाइन दे रहा है। अब ये सब कुछ अपने आंखों से लुल्ली ने देखा। लुल्ली ने बोला तुम झटके से दूर रहो। यहाँ पे टाई बोलते क्यों क्या बात है। तब यहाँ पे लुल्ली बोलते उसका झटका बहुत ज्यादा जोर है। तब यहाँ पे टाई बोलते क्या तुम्हें उसने झटका दिया। लुल्ली ने बोलते नहीं नहीं हमें कोई झटका नहीं दिया, लेकिन तुम उससे दूर जरूर रहना। तब यहाँ पे टाई बोलते उसका फिकर तू मत कर, मैं सब कुछ झेल लूंगी। एक दिन टाई वर्कआउट करने के लिए लुल्ली के घर में आता है। तब लुल्ली उसको अच्छे से समझाते देखो टाई तुम्हें ना इंटर के लड़कों से दूर रहना पड़ेगा। अब ये सब बातें जे पीछे से सुन रहा था और मुस्कुरा था। अब जैसे यहाँ पे टाई चली गई लुल्ली जे के पास आया और जे को बोल रहे अभी साले तू मुस्कुरा क्यों रहा था। तब यहाँ पे जे आंसर देता है तो हंसूंगा नहीं तो करूंगा क्या। तब यहाँ पे लुल्ली बोलते तो मैंने अपने दोस्त को ठरकी लड़कों से बचाए। तब जे बोलते अगर तुम इसको अलीबाबा के 40 चोर भी लाके दो ना टाई के लिए कम पड़ेंगे। दूसरे दिन पार्टी में टाई के साथ झटके का मुलाकात हुआ और हमें पता चलता है कि टाई तो झटके को पसंद करने लगी और प्यार करने लगी, लेकिन झटका को क्या चाहिए। झटका तो लुल्ली के पीछे दीवाना हो चुका, लुल्ली के साथ ही होली मनाना चाहता है। दूसरे सीन में हम काली नागिन को देखते जो लुल्ली का दोस्त है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से में। उसका कारण यही है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने अपना सारा बाल कटा लिया है और यहाँ पे वो अगला बन चुका है। तब यहाँ पे काली नागिन लुल्ली को बोलते हैं देख इस सांड को कैसे गंजा बैठा है, और साथ ही साथ वो बोलते हैं इसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। उसके बाद पार्टी खत्म होती, लुल्ली को उसका एक दोस्त अपने गार के साथ उसको घर तक छोड़ने के लिए जाती है। अब उसी वक्त ये दोस्त ना अचानक से जॉनी भैया बन जाता है और लुल्ली को बोलता है मेरे दिल को जो घायल कर दे वो अदा तेरी बातों में। उसके साथ साथ वो लड़का उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुल्ली उसको साफ मना करके कार से निकल जाती है। तब वो जॉनी भैया एटीट्यूड बॉय बन जाता है और लुल्ली को बीच सड़क में छोड़ के चला जाता है। उसी वक्त यहाँ पे एक चोर आता है और लुल्ली को अपना गन पॉइंट करके उससे उसका पर्स और मोबाइल मांग लेती है। तब यहाँ पे लुल्ली परेशान होकर अपना ब्रो जो है जे को फोन करते हैं।
उस वक्त जे यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भटावट करने में बिजी था, लेकिन फिर भी जे सोचता है चलो इसको बचाने के लिए मैं चला जाता हूँ। लुल्ली डिसाइड करते वो अपने दोस्त टाई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेगा। जब वो स्कूल के अंदर मौजूद है तब उसके नजर में आता है जम्बू। जम्बू को देख के उसको पहली नजर वाला प्यार हो गया और वो टाई को साइड में रख के अपने लिए इसको चूज कर लेता है। अब यहाँ पे उसके मन में एक ही चीज बैठ गया, तो जैसे भी करके इस पटाखा चीज को उसको पढ़ाना ही पड़ेगा लुल्ली को। अब यहाँ पे जम्बू को अलग अलग इशारे दे रहा है और साथ ही साथ जम्बू जैसे ही समझ गया उसको पार्टी के लिए एक इनविटेशन दे दिया ताकि वो पार्टी में और उसको घबघब कर पाए। अब यहाँ पे वो रेडी सेडी होके जैसे निकल रहा था तब जे उसको देख के पूरा मतलब शॉक हो गया, इतना सुंदर है। और जैसे जम्बू उसको लेके चला गया तब जे भी बहुत ज्यादा जेलस हो गया क्योंकि इतना अच्छा माल हाथ से चला गया। पार्टी में यहाँ पे लुल्ली और जम्बू बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते, साथ ही साथ यहाँ पे लुल्ली देखते उसके दोस्त टाई भी आए। अब यहाँ पे टाई और वो दोनों देखते जे भी इस पार्टी के अंदर मौजूद और कमर तोड़ डांस कर रहा है। अब तो और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि लुल्ली और जे के पिता जो है कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे सीधे लुल्ली ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया जम्बू को, बोल रहे जम्बू तुम जल्दी से हमारे घर में आ जाओ और अपना तंबू लेके और मुझे अपना बम्बू दे दो। इस खुशी में उसने काली नागिन को भी अपने घर में बुला लिया और उसको बोला भटाभट करने टाइम अगर हमारा बिस्तर टूट जाता है तो तू उसको किल से ठोक देना। रात को लुल्ली और जम्बू दोनों बैठ के घबघब बड़ी मूवी देख रहे थे तब यहाँ पे लुल्ली उसको इशारा कर रहे ताकि वो अपना तंबू उसके अंदर डाले, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पीने के कारण उसका तंबू बेहोश था और ये देख के वो बेड से गिर पड़ता है। यहाँ पे उसका जो खाब था भटावट करने का लुल्ली का वो खा भी रह जाता है और ये दुख भरी कहानी वो अपनी दोस्त काली नागिन और उसके बॉयफ्रेंड को सुनाता है। और यहाँ पे वो बोलते हैं अगर तुम होते तो क्या करता, उसका बॉयफ्रेंड बोलता है अगर मैं होता तो उसको फाड़ डालता। ये सुन के काली नागिन गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को बोलते हैं साले सफेद चमड़ी देखी कि नहीं और यहाँ पे भटाभट करने चला। काली नागिन गुस्सा होकर अपना जो कार था उसका थोड़ा डिसबैलेंस कर दिया और बस एक्सीडेंट होने वाला था, जैसे भी करके वो सभी लोग बच गए। अब बचने की खुशी में वो दोनों किस करने लगे। लुल्ली ये सब देख के काफी ज्यादा नाखुश हो गई। अब दूसरे दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग सेंटर में आए और जैसे वो अंदर है वो देख रहा है यहाँ पे टाई को कोई लड़का छेड़ रहा था और यहाँ पे जम्बू जाके उसको बचा लेता है। दूसरे दिन टाई लुल्ली के घर में आता है और लुल्ली को बोलता है मुझे जे पसंद आ चुके हैं, अब मैं उसे पटाना चाहता हूं और तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा। तब यहाँ पे लुल्ली बोलते हैं जे कोई अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसको भूल जाओ, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। अब यहाँ पे जे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि बोलता है कि यार तुम मेरा खुशी नहीं चाहते हो क्या, तुम मुझसे इतना जेलस फील करते हो, क्या तुम्हें मुझे बॉयफ्रेंड देना नहीं है। तब यहाँ पे टाई चला जाता है। अब यहाँ पे रास्ते में जब लुल्ली घूम रही थी तब लुल्ली को याद आ रहा था कि मैंने टाई को ऐसा क्यों बोला, क्यों जे को मैं क्या प्यार करने लगा था। तब वो जैसे अपने पुराने बातों को याद कर रहा है, उसको पता चल गया कि हाँ जे ही उसके साथ हमेशा रहता है और अभी सोच रहा है अगर मैं जे को ये बात बोलूँ क्या वो मेरे साथ भटाभट करेगा, क्योंकि उसके साथ मैं कभी भी अच्छे से बिहेव करता ही नहीं हूँ। तब यहाँ पे जे भी ना अपने मन में अपने जो लुल्ली है उसको ही प्यार करने लगा। दूसरे दिन यहाँ पे लुल्ली टाई के पास आती है और लुल्ली टाई से माफी मांगते जो भी बातें उसने कहा है और यहाँ पे टाई भी उसको माफ कर देती है। लुल्ली और जे अपने पापा के काम में हाथ बटा रहे थे और साथ ही साथ दोनों मजे कर रहे थे। अब ये सब देख के उसके पापा का कॉलिंग लुल्ली को बहुत ज्यादा डांटते और लुल्ली सैड है। इसी वक्त जे आता है, लुल्ली को प्यार करता है, प्यार के साथ साथ किस भी कर लेता है। अब ये देख के लुल्ली और ज्यादा खुश हो जाता है और फिर से उन दोनों किस करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे मिस्टर हेल जो मिसेस बेल हमने देखा था वो दोनों शादी कर लेते और यहाँ पे हम देखते झटके के साथ यहाँ पे टाई का रिलेशनशिप भी हो चुका है। सभी लोगों का प्यार देख के जे और यहाँ पे लुल्ली दोनों अपने प्यार का इजहार सभी के सामने कर लेते हो और यहाँ पे दोनों काफी ज्यादा खुश और अच्छे से किस कर रहे। ऐसे मूवी का दी एंड होता है। आपको ये मूवी कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ यार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।